हाय गाइस, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब मैंने फ़ोन को नया बाय किया था तो जिस स्पीड के साथ हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा था, अब उस स्पीड के साथ चार्ज नहीं होता है। अब हमारे फ़ोन में स्लो चार्जिंग इशू आ गई है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में आई है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग इशू नहीं आएगी। कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से, मतलब आप कुछ मिस्टेक्स करते हो जिसके वजह से स्लो चार्जिंग इशू आती है। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग इशू नहीं आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम हम 200 लाइक एम रख रहे हैं, जल्दी इसको कंप्लीट करा देना। साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब अपने फ़ोन को आप चार्ज लगाते हो तो आपको उस टाइम ये चेक करना है कि आप जो अडाप्टर यूज़ कर रहे हो एंड आप जो डाटा केबल यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जो डाटा केबल होता है ना वो दूसरे डाटा केबल के साथ चेंज हो जाता है, तो आपको एक बार इसको चेक कर लेना है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग इशू आएगी, क्योंकि मेन जो मतलब ओरिजिनल जो चार्जर एंड डाटा केबल होता है उसी के साथ अगर फ़ोन को आप चार्ज लगाते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका फ़ोन जो है चार्ज होता है। तो अगर आपका डाटा केबल ओरिजिनल नहीं है, चेंज हो गया या डैमेज हो गया है, तो उसको आप चेंज कर ओरिजिनल डाटा केबल यूज़ करें। एंड गाइस, आपको ये भी चेक कर लेना है कि आप जो डाटा केबल एंड अडाप्टर यूज़ कर रहे हो वो कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर वो कहीं से डैमेज हुआ रहेगा तो आपको आप फ़ोन जो है अच्छी तरीके से चार्ज नहीं हो पाएगा। क्या होता है कि जो डाटा केबल होता है ना वो मतलब यूज़ करते करते थोड़ा फोल्ड हो जाता है, उसका वायर एकदम कट टाइप जाता है। तो आपको इसको चेक कर लेना है कि अगर आपका डाटा केबल कहीं से डैमेज हुआ है तो आप उसको नया मतलब नया ओरिजिनल यूज़ करें। आप जिस कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उस कंपनी के ऑफिशियल साइट से जाकर उसको आप नया बाय करके उसको यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कोई सा भी मार्केट से डुप्लीकेट डाटा केबल यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन 100% स्लो चार्ज होगा। इन दोनों सिंपल से ट्रिक को आपको ज़रूर देखना है दोस्तों, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग इसको चेक नहीं कर पाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको तीसरा ट्रिक बताता हूँ क्यों आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। दोस्तों, तीसरी ट्रिक ये है, जब भी आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग करने के बाद या यूज़ करने के बाद आप फ़ोन को डायरेक्ट चार्जिंग मत लगाएं। मतलब आप फ़ोन को यूज़ करने के बाद आपका फ़ोन जब मतलब आप फ़ोन को रखने जा रहे हो तो आप डायरेक्ट जाते हो चार्ज लगा देते हो फ़ोन को, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि जब फ़ोन को आप डायरेक्ट चार्जिंग लगाने जाते हो यूज़ करने के बाद, आपका फ़ोन हीट रहता है। तो अगर आपका फ़ोन हीट रहेगा तो अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाएंगे तो आपका फ़ोन वहाँ पर स्लो चार्ज होगा और काफ़ी लंबा समय ले लेगा आपका चार्जिंग मतलब फुल होने में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप फ़ोन को थोड़ी देर रख दें, थोड़ा वो कूल हो जाएगा तब आप चार्जिंग लगाते हैं तो आप मतलब जो आपका फ़ोन है वो अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेगा, जो उसका स्पीड होता है वो स्पीड पकड़ेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि फ़ोन को यूज़ करने टाइम या आप फ़ोन में गेम किए हो, आपका फ़ोन हीट है तो आपको डायरेक्ट चार्जिंग नहीं लगाना है। चौथी ट्रिक ये है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन को चार्ज लगाकर फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ़ोन को चार्ज लगाकर यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पर हमारा CPU GPU प्रोसेस करता है, वहाँ पर हमारा फ़ोन जो है हीट होने लगता है। जब हीट होने लगेगा तो वहाँ पर आपका फ़ोन जो है अच्छी तरीके से मतलब चार्ज नहीं हो पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फ़ोन को जब चार्ज लगा रहे हो तो फ़ोन को चार्ज ही होने देना है, तो वहाँ पे आपका अच्छी तरीके से फ़ोन चार्ज होगा एंड उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एंड गाइस, लास्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप फ़ोन को चार्ज लगाने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसेंट बार में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सबको आपको रिमूव कर देना है एंड आपको मोबाइल डाटा को ऑफ कर फ़ोन को चार्ज लगाना है। इससे आपका साइलेंटली आपका फ़ोन जो है अच्छी तरीके से चार्ज होगा और आपको काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप देगा। दोस्तों, ये कुछ सिंपल से रीज़न होते हैं जिसके वजह से आपका फ़ोन स्लो चार्ज करता है। तो आप इन ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग इशू नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।